नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मालदा इंटरसिटी एक्सप्रेस के 4 बोगी हुई इंजन से अलग, टला बड़ा हादसा, रेल यात्रियों में मची अफरा तफरी। NH31 पर सिलेंडर से लदा ट्रक में लगी आग, धमाकों की तेज आवाज और आग की लपटों से इलाके में फैली दहशत। भागलपुर डीएम ने निर्माणाधीन 4-लेन सड़क का किया निरीक्षण, कार्य में आ रही परेशानी को दूर करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने पीड़ित परिजनों से की मुलाकात, कहा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे पुलिस प्रशासन। और असम कॉलेज में 2 दिवसीय स्त्री सेवा योजना का हुआ शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन स्थित ओवरब्रिज के पास तकनीकी कारण से मालदा इंटरसिटी की 4 बोगी अलग हो गई, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं इस घटना की जानकारी मिलने पर स्टेशन मास्टर दीपक कुमार दलवल के साथ फौरन घटनास्थल पर पहुंचे और मैकेनिक की मदद से अलग हुई बोगियों को जोड़ा गया। इस दौरान करीब 1 घंटे तक इस रूट पर परिचालन बाधित रहा, जबकि गनीमत यह रही कि ट्रेन के किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि लोगों का कहना है कि यह हादसा रेलवे प्रशासन की लापरवाही के कारण हुआ है, जिसमें परिचालन से पहले ट्रेन की ठीक तरह से जांच नहीं की गई। साथ ही यात्रियों ने कहा कि इस तरह की स्थिति में कभी ट्रेन की बोगी पलट भी सकती है, जबकि फिलहाल रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए। 34.09 जो है ना, 2 पार्ट में बट गया था। जी, भूकंप लगने के बाद ना 2 पार्ट में गाड़ी बट जाता है। तो क्या लग रहा कि नट बोल्ट जो कसा गया था, वो लूज होगा या वो तो टेक्निकली चीज हुआ? जी, 2 पार्ट में मिला। जैसे ही जानकारी मिली, दल बल के साथ गए और गाड़ी को 11:34 में खुलवा दिया। कितने घंटे बाद सर परिचालन? अभी तो लगभग कितना, 10:44 में आई थी, 10:44 में पार्ट हुआ और 11:34 में गाड़ी खुला है। ये कहाँ पे घटना घटी? किलोमीटर है अप में 330 का 27, 330 के 31 पर। भागलपुर में मंगलवार की देर रात रसोई गैस सिलेंडर लेकर जा रहे एक ट्रक में NH31 पर अचानक आग लग गई, जिसके बाद उसमें रखा सिलेंडर ब्लास्ट होने लगा। देखते ही देखते एक के बाद एक कई सिलेंडर आग की चपेट में आता चला गया और उसके धमाकों की आवाज़ और आग की लपटों से कई किलोमीटर दूर के इलाकों में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट के धमाके से कई सिलेंडर दूर जा गिरे, जबकि काफ़ी देर तक किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसी आग और धमाका है। लेकिन बाद में ट्रक में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट होने की खबर पता चलने पर इस पर काबू पाने के लिए अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। वहीं सिलेंडरों का विस्फोट थमने के बाद नवगछिया और खगड़िया से 7 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया, जबकि इस दौरान NH31 पर वाहनों का परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया। प्रशासन एवं अग्निशमन विभाग की मदद से करीब 3 घंटे के बाद NH31 पर पुनः वाहनों की आवाजाही शुरू हो सकी। बता दें कि भागलपुर के NH31 नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत भगवान पेट्रोल पंप से 200 मीटर की दूरी पर मंगलवार की देर रात 2:30 हुए रसोई गैस सिलेंडर ब्लास्ट करीब 1 घंटे तक चलता रहा, जिससे दूर दूर का इलाका दहल गया। इधर इस हादसे में ट्रक चालक की मौत होने की बात कही जा रही है, लेकिन पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही भवानीपुर पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची, जबकि पास के ही खगड़िया अंतर्गत पसराहा थाना की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। इस विस्फोट के दौरान भगवान पेट्रोल पंप की छत पर रखी पानी की टंकी पर भी सिलेंडर का एक टुकड़ा जा गिरा, जिससे टंकी फट गया, जबकि सड़क किनारे की झोपड़ी जलकर राख हो गई। इसको लेकर प्रत्यक्षदर्शी फतुली यादव ने बताया कि वह लंबे समय से NH किनारे बासा बनाकर मवेशी पालता है और धमाका शुरू होने पर वह झोपड़ी में दुबक गया, लेकिन उसकी और आसपास की कई झोपड़ी में भी आग लग गई, जिसमें उसका सारा सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि बलाहा के मनोज यादव, फतुली यादव, अनीक यादव और नेपाली सिंह की झोपड़ी जल गई। वहीं ट्रक चालक की पहचान मुंगेर के शंकरपुर निवासी छत्री यादव के पुत्र मंटू यादव के रूप में हुई है, जो घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंच गए। छत्री यादव ने बताया कि मंटू यादव जहां से सिलेंडर लोड करके निकला था, वहां के एक ट्रक ड्राइवर ने उसे इस हादसे की जानकारी दी, जिसके बाद वे आनंद फानंद में पहुंच गए, लेकिन उनके पुत्र का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। देखे कि आग लग रहा था, नए आदमी को हम भागते हुए किसी को देखे, फिर हम जगे, आवाज़ होने लगा,
और उसके बाद हम लोग अपना सामान गाय वगैरह खोल के उधर हटाने लगे। आग जो लगा गाड़ी में टक्कर होने के बाद लगा या ऐसे? वो हमने देखे टक्कर होके लगा कि कैसे लगा, हम सिर्फ आग लगे। ब्लास्ट कितना देर तक होता रहा? ब्लास्ट लगभग आधा घंटा से ऊपर ब्लास्ट हुआ, 40 मिनट तक। गिनती किए होंगे लगभग कितना ब्लास्ट हुआ होगा? ब्लास्ट तो पहले 3-4 ठो हुआ, उसके बाद जाके एकदम पूरा शोर में आवाज, जैसे फटाका भांगता है फटाफट फटाफट, उस तरह से होने लगा। इस जगह किसी का बासा भी जला? उससे बासा जला, उधर एक ठो था मनोज का जला। उसमें मवेशी वगैरह कोई? मवेशी तो सब निकल गया, एक ठो बच्चा था उसका टेरने है। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बुधवार को मुंगेर मिर्जा चौकी निर्माणाधीन फोर लेन सड़क का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने कार्य में आ रही परेशानियों को जायजा लेने के बाद एनटीपीसी के मानसरोवर गेस्ट हाउस में एनटीपीसी के ईडी और एनएचआई के एजीएम के साथ बैठक की। बैठक में डीएम ने निर्माण कार्य से संबंधित कई विषयों और कमियों पर चर्चा की। वहीं इसको लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि जून 2023 तक भागलपुर बाईपास से रसलपुर तक टू लेन मोटरवेल सड़क बनकर तैयार हो जाए। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि जिन लोगों का भुगतान किसी कारणवश नहीं हो पाया है उनका भी भुगतान जल्द ही कर दिया जाएगा। मौके पर कहलगांव एसडीएम मधुकांत, डीसीएलआर संतोष कुमार के अलावा कई पदाधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। लेवल पर है उसमें 3A, 3 स्मॉल है, 3 कैपिटल ए का होता है, उसमें जो प्रारंभिक अधिसूचना निकलती है वो एनएचआई कर रही है, उसके बाद जो है उनका आएगा रिक्वेशन और फिर हम लोग भू अधिग्रहण। उसमें कुछ जैसे लैलक है सबौर में या शंकरपुर कोदवार है, वहाँ पे जो है कुछ रैयतों ने बताया कि उनको भुगतान नहीं हुआ है, मतलब बहुत कम रैयत है। तो शुक्रवार को हम लोग उसमें कैंप लगा देंगे, उसमें डीएलओ, अंचल अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अमीन कर्मचारी है, और इसी का परिणाम है कि आज हम लोग भागलपुर से उस अलाइनमेंट पे सुल्तानगंज भी पहुँच जा रहे हैं और आज उसी अलाइनमेंट से हम लोग चल करके कहलगांव भी आए। ठीक है, मृत पंचायती, हाँ मृत पंचायती वाले में देखिए उसमें समझना हो, उसमें कुछ जैसे लैलक है सबौर में या शंकरपुर कोदवार है, वहाँ पे जो है कुछ रैयतों ने बताया कि उनको भुगतान नहीं हुआ है, मतलब बहुत कम रैयत है। तो शुक्रवार को हम लोग उसमें कैंप लगा दें। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव बुधवार को नवगच्छा रंगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भवानीपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने कुमोदी यादव के यहां उनके मृतक भाई निकेश यादव के परिजनों से मिले और इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए सांत्वना दिया। बता दें कि बीते मंगलवार को बैसी पंचायत मुखिया प्रतिनिधि कुमोदी यादव के छोटे भाई निकेश यादव को अपराधियों ने गोली मार दी, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वही इस दौरान पप्पू यादव ने मृतक के घर वालों से मिलकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और इस तरह से की गई हत्या पर आक्रोश जताते हुए कहा कि बिहार में लगातार हो रही हत्याओं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौन है। पप्पू यादव ने नवगच्छा एसपी शांत कुमार सरोज को फोन लगाकर मामले में जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही, जिस पर एसपी ने बताया कि इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। वहीं इससे पूर्व नवगच्छा स्टेशन पहुंचते ही जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मौके पर जिलाध्यक्ष नीरज यादव समेत कई जाप कार्यकर्ता मौजूद थे। इसमें सबसे बड़ा दोष क्या है कि इकबाल सिस्टम का डर खत्म हो। आप एक हत्या से नहीं जुड़े, हम अभी आ रहे हैं 800 किलोमीटर, 3-3 अरवल में जिंदा जला दिया 2 माँ बेटी, मनोज यादव की हत्या की, फिर एक मोची को मार दिया जिंदा भुला करके दिया लड़के। आप यहाँ एक निर्दोष आदमी, आपकी दुश्मनी थी या क्या थी, इसका निराकरण हो ही नहीं। एक निर्दोष लड़का जो ट्रैक्टर चलाता हो, अपना काम करता हो, जिसका अन्य चीज़ों में कोई भागीदारी नहीं, ठीक है, आप उसको टारगेट करो, ठीक है। और लगातार मुझको तो एक बात समझ में नहीं आती, पटना में कल बीच पटना में घर ढूक करके बिल्डर को गोली मार दिया, लगातार आतंक का माहौल। एसपी साहब से मेरी कल से बातचीत हो रही, एसपी साहब ने अभी कहा कि सर मैंने 2 गिरफ्तार कर लिए। सर सवाल 2 गिरफ्तारी का नहीं, मैं चाहता हूं कि इसका अंत हो। कितने आंसू बहेंगे, कितने लाशें गिरेंगी। जो बात आप जैसे दियरा की बात आप लोगों ने की, मुझको जरा आप एक बात बताओ, दियरा में लड़ाई कोई आज नहीं, और जाधव से नहीं थी किसी की लड़ाई,
वहाँ लड़ाई ब्रह्मदेव साहब वहाँ मुखिया का चुनाव लड़ा। भागलपुर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय में बुधवार को परिसंस्था की ओर से दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कॉलेज की छात्राओं को महिला उत्थान को लेकर विशेष जानकारी दी गई, जबकि महिला सशक्तिकरण से जुड़े कई बातों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर डॉक्टर हिमांशु शेखर ने बताया कि यह संस्था महिला उत्पीड़न की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में अलग अलग स्कूल कॉलेजों एवं संस्थानों में जाकर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। इधर कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मौके पर एसएम कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रमन सिन्हा, महिला थाना प्रभारी नीता कुमारी समेत कई लोग मौजूद रहे। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर बाईपास थाना क्षेत्र अंतर्गत जगदीशपुर कजरेली मुख्य मार्ग के समीप सड़क हादसे में एक मोटरसाइकिल मैकेनिक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि घायल मैकेनिक सब्जी लाने के लिए मार्केट गया था, तभी वापसी के दौरान कजरेली मोड़ के समीप वह हादसे का शिकार हो गया। वहीं घटना के बाद करीब आधे घंटे तक घायल युवक दर्द से तड़पता रहा, लेकिन किसी ने इसे अस्पताल तक नहीं पहुँचाया। इधर इसकी जानकारी 112 नंबर पर पुलिस को मिलते ही पुलिस आनंद फानंद में मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज जारी है। घायल युवक की पहचान मायागंज निवासी मदन चौधरी के पुत्र विकास चौधरी के रूप में हुई है। फिलहाल हादसे के कारण का पता नहीं चल सका है। दो चार आदमी था, उसके बाद उसको हम लोग उठाया और लेके मायागंज हॉस्पिटल लेके आए। कहाँ पर घटना? वही कौन जगह बोलता, जगदीशपुर बाईपास कजरेली जाने वाला ओवर ब्रिज के नीचे। कौन होटल है? आदर्श होटल, आदर्श होटल के बगल में। कितने बजे का मामला? लमसम एक घंटा हुआ अभी। गश्ती को जाना? हाँ, गश्ती से हमने के सिस्टम पर कॉल नहीं आई थी। देखल गए कि हाँ इस तरह का आदमी हुआ, बैठाए हम लोग लेके मायागंज पहुंचा दिए। बिहार स्वास्थ्य विभाग की मिशन 60 योजना के तहत राज्य स्वास्थ्य समिति पटना के डिप्टी डायरेक्टर रंजन कुमार और डॉक्टर अबोली गौरे की दो सदस्यीय टीम बुधवार को भागलपुर जयप्रकाश नारायण सदर अस्पताल पहुंची, जहां राज्य स्वास्थ्य समिति के अधिकारियों ने अस्पताल परिसर में मरीजों के इलाज की व्यवस्था समेत कई तरह की कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान स्टेट की टीम ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी, गायनी विभाग और गार्डन के साथ नवनिर्मित भवन और पार्किंग स्थलों का जायजा लिया। वहीं टीम ने
एसीएस डॉक्टर उमेश शर्मा, डीपीएम मोहम्मद फैजान आलम अशरफी को व्यवस्था में सुधार से संबंधित कई सुझाव और दिशा निर्देश भी दिया। इधर पूरे अस्पताल की व्यवस्था कार्यों का जायजा लेने के बाद टीम के अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में अस्पताल परिसर में और भी कई सुधार देखने को मिलेगा, जिसके लिए विभाग अग्रसर है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के द्वारा लोक कल्याण के लिए सभी अस्पताल को सुविधाओं से लैस करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे अस्पताल आने वाले मरीजों को कोई परेशानी नहीं हो। निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक रूप नारायण शर्मा, डॉक्टर राजू कुमार, क्षेत्रीय लेखा प्रबंधक मोहम्मद आसिफ हुसैन, अस्पताल प्रबंधक मोहम्मद जावेद मंसूर समेत दर्जनों अस्पताल कर्मी मौजूद थे। मैं और रंजन जी आए थे ये देखने के लिए कि पिछले 2 महीने से जो मिशन 60 के अंतर्गत काम हो रहा है सदर में, उसकी क्या प्रगति है। तो जो हमने पाया कि बहुत कुछ, जिस तरह से 2 महीने पहले बातें हुई थी कि कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है, क्या करना है, साफ़ सफाई के बारे में, रखरखाव के बारे में, मरीज़ों की सहूलियत के बारे में, तो भागलपुर सदर अस्पताल में सिविल सर्जन सर के माध्यम से और जो RPM हैं, DPM हैं, जो हॉस्पिटल के हॉस्पिटल मैनेजर DS और सब लोग हैं, इन्होंने मिलकर बहुत कुछ सारी प्रीमाइसेस में को बहुत अच्छा रखरखाव बहुत बेहतर हो गया है। और अभी भी आप जगह जगह पे देख रहे होंगे कि ये काम ख़त्म नहीं हुआ है, वो अपना अपना उससे मोटिवेट होके और बेहतर कैसे कर सकते हैं, ये मेरे ख्याल से पूरी हॉस्पिटल टीम और पूरी डिस्ट्रिक्ट टीम बात कर रही है और काफ़ी कुछ उसमें करते ही जा रहे हैं और बेहतरी के लिए। भागलपुर शहर में बिजली और पानी की किल्लत को लेकर किए गए आंदोलन के दौरान कालिक पोतने के एक पुराने मामले में नामजद आरोपी बनाए गए कांग्रेस नेता विपिन बिहारी यादव को न्यायालय ने बरी कर दिया है, जिसको लेकर विपिन बिहारी यादव ने न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त किया। दरअसल वर्ष 2007 में बिजली की समस्या को लेकर आम लोगों को हो रही परेशानी के कारण आंदोलन में युवा कांग्रेस के नेताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, जिसमें प्रदर्शन के दौरान बिजली विभाग के महाप्रबंधक के ऊपर मोबाइल कर उन पर कालिक पोत दी गई थी, जबकि इस मामले में विपिन बिहारी यादव को मुख्य अभियुक्त बनाया गया था। बता दें कि इस मामले में विपिन बिहारी यादव को जेल की हवा भी काटनी पड़ी थी। युवा कांग्रेस के द्वारा जब भागलपुर में बिजली और पानी की बड़ी समस्या थी तो एक प्रदर्शन हुआ था, उस प्रदर्शन के दौरान बिजली विभाग के महाप्रबंधक के ऊपर मोबिल डाल दी गई थी, कालिक पोत दिया गया था। उस केस में मुझे मुख्य अभियुक्त बनाया गया था, ताकि मैं युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष था और बहुत बड़ा बिहार प्रदेश के लेवल पे इसके आंदोलन हुआ था और मुझे जेल भी जानी पड़ी थी, काफ़ी पुलिस के द्वारा यातनाएं भी दी गई थी। उस केस में 24/34/2007 के केस में माननीय न्यायालय ने आज मुझे बरी किया है। हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय न्यायालय का, सम्मान करते हैं कि मुझे आज इस केस से बरी कर दिया गया। जमीनी विवाद में अक्सर पुलिस प्रशासन और अधिकारियों का चक्कर लगाने के क्रम में ही कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की नींद अक्सर किसी बड़ी घटना के बाद टूटती है। कुछ ऐसा ही मामला भागलपुर के कहलगांव प्रखंड से सामने आया है, जिसमें एक लड़के को जमीनी विवाद में पकड़कर कुआं में धकेल दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वर्षों से चले आ रहे जमीनी विवाद में 14 वर्षीय छात्र को अपनी जान गंवानी पड़ी। दरअसल धनंजय वर्षों पुराने जमीन विवाद मामले को लेकर किसी से झगड़ा चल रहा था और उसी मामले में छात्र के मौत की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि घटना के दिन उसके घर में कार्यक्रम था और उसे गांव के ही धनंजय के कहने पर एक युवक द्वारा उसे वहां से बुलाकर ले जाया गया और कुएं में धकेल कर हत्या कर दी गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे और शव को रेस्क्यू कर कुएं से बाहर निकाला गया। इसके बाद परिजनों ने उसे स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने धनंजय कुमार के खिलाफ थाने में आवेदन देकर पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि कई बार न्याय की गुहार लगाकर थक चुके पीड़ित परिजन ने एक बार फिर से पुलिस पर भरोसा करते हुए दोषी के खिलाफ कार्रवाई और मदद की गुहार लगाई है। कल मतलब जो है घर में खाना बनाने में व्यस्त थे, अपना परिवार फंक्शन था, बेटा का जन्मदिन था, तो पापा नहीं थे और जो हम घर में थे वो आया सवेरे, बुला कर ले गया मेरा भाई को 12 बजे, तो हम कुछ पूछे नहीं और जब बुला कर ले गया तो उसके बाद जो है 2-3 बजे उधर से आवाज़ हुआ कि भाई को कुणाल सिंह धकेल दिया, कुणाल सिंह इनारों में धकेल दिया किसी के कहने पर।
तो मतलब जिससे विवाद था वही उसी के कहने पर मेरा भाई को कुआं इनारों में धकेल दिया गया। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मालदा इंटरसिटी एक्सप्रेस के चार बोगी हुई इंजन से अलग, टला बड़ा हादसा, रेल यात्रियों में मची अफरा तफरी। NH31 पर सिलेंडर से लदा ट्रक में लगी आग, धमाकों की तेज आवाज और आग की लपटों से इलाके में फैली दहशत। भागलपुर डीएम ने निर्माणाधीन फोर लेन सड़क का किया निरीक्षण, कार्य में आ रही परेशानी को दूर करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने पीड़ित परिजनों से की मुलाकात, कहा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे पुलिस प्रशासन। और असम कॉलेज में दो दिवसीय स्त्री सेवा योजना का हुआ शुभारंभ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।